मंगलवार को मासी पीढ़ी में दो युवकों की पिटाई का मामला सुर्खियों में है। इसे रिकवरी एजेंट का कारनामा बताया जा रहा है। वहीं अब दूसरे पक्ष ने भी अपना बयान दिया है। देखें खबरें हजारीबाग के संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट। मैं जितना भी हमारे पर इल्जाम लगाया गया सारा बेबुनियाद है। इन लोग दो गाड़ी क्रेटा से आ रहा था, दोनों नशा के हालत में था और एक दूसरे को कंपटीशन कर रहा था और हमारी गाड़ी में ऐसा मारा कि मतलब हम गिर एक्सीडेंट हो जाता है हमारा गाड़ी। उसी में उसको हम रुकवाए, रुकाने के बाद गाड़ी थी आपकी, हमारी बेलोरो थी, वो किधर से आ रही थी, उन्हीं लोग के हम आगे आ रहे थे, उन लोग हमसे साइड लिया और साइड लेने के बाद ऐसा चक्कर मारा कि हमारा गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता। तो हम उन लोग को रोके, रोकने के बाद सिर्फ रोकवे किए कि उन लोग निकाला लोहे का बैत और पाइप का बैत पीछे वाला गाड़ी से, आगे वाला को रोके तो पीछे वाला गाड़ी से पीछे। अभी तो पत्रकार के माध्यम से पता चल रहा है, नंबर तो उतना याद नहीं है, लेकिन ये है कि एगो राकेश का है गाड़ी, एगो मिंटू का गाड़ी है और आगे वाला गाड़ी नंबर का कितना था, जी 02X कितना था वो तो हमको याद भी नहीं है। ये कहाँ पर की घटना है? ये मासीपुरी मंदिर पास की घटना है और हम जितना भी है सब बेबुनियाद है, ठीक ना। उसी में पब्लिक लोग आए और पब्लिक लोग मारा हुआ है, लोग हम लोग को बैंक से मारा है और हम लोग कुछ नहीं मारे, पब्लिक लोग मारा है देख के, हम लोग को मार देख के पब्लिक लोग मारा है। आप लोगों के द्वारा मारपीट नहीं? हम लोग एकदम एक हाथ भी नहीं चलाए, इसका कोई वीडियो दिखा देगा तो जो बोलेंगे हम मानेंगे, और हम लोग एक हाथ भी नहीं मारे हैं। पब्लिक लोग बीच में आया कि देखा हम लोग को मार खाते हुए, मार के मेरा एक आदमी को बेहतासा इतना मार दिया गया कि उसका ब्वाइटिन हो रहा है, ब्लड ब्वाइटिन हो रहा है, और ब्लड ब्वाइटिन के कारण उसको हम लोग घर में सेवा संभाल कर रहे थे, यहाँ नहीं सके तब रात में ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने के बाद है उसको भेज दिया गया रिम्स, रिम्स में वो आदमी बेचारा अभी भर्ती है, बहुत हालत उसका खराब है, ब्लड ब्वाइटिन हो रहा है, सांस दबा हुआ है, आवाज नहीं निकल रहा है। यही लोग मारा है हम लोग को, पहले हम लोग नहीं मारे हैं। वहाँ लोग और से जो भर्ती है उनका क्या नाम है? राजेश प्रसाद नाम है। वो कहाँ भर्ती है? अभी रिम्स में भर्ती है। और पास पड़ोस के दुकानदारों के द्वारा क्या कुछ बता? पास के दुकानदार हैं आप, क्या कुछ देखे थे आप कल? कल मारपीट हुआ था, गाड़ी वाले जो रोके उसको मारपीट हाथापाई की, हम लोग ग्रामीण आदमी देखे मार रहा था ना। ये गाड़ी वाले जो रुका आगे ओवरटेक करके क्या कर रहा था तो रोका गाड़ी, उसके बाद हाथा पाए के निकाला पाए तो हमारा मारने चालू कर दिया। तो किसको मारपीट हो रही थी? राजेश को। ये मार रहा था गाड़ी वाले जो था क्रेटा गाड़ी, क्रेटा गाड़ी वाले राजेश को मार रहे थे। कौन से क्रेटा गाड़ी में कौन सवार थे? एक वही ड्राइवर था जो गाड़ी सिंगल था। क्या नाम था? नाम उससे मालूम है। सो वो अभी कहाँ है राजेश जी? राजेश जी तो अभी यहीं ग्रामीण में हो, रिम्स में है, रिम्स में हो। राजेश रिम्स रेफर हो गए हैं? जी जी सुने हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं होटल वाला हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम पंडित हुआ। घटना कल घटी थी? घटना यही घटी थी कि मैं चौक पे आके जैसे अपना बाइक खड़ा किया दुकान के सामने, तो मैंने देखा कि दो क्रेटा वाले आपस में रुके और उसके साथ एक आगे में बुलोरे थी। बुलोरे वाले जब उतर के उन लोग से कुछ बातचीत करने लगे तो क्रेटा वाले पीछे वाले एक बैग बोला जाता है स्टील वाला, उसको निकाल के वो राजू साहब हम लोग बोलते हैं उन पे उन्होंने हाथापाई करने चालू किया। तब तक जो बीच बीच में जो हम लोग के गाँव के पब्लिक थे, फिर उन्होंने देखा तो हाथापाई के समय उन लोग सब आ गए और फिर मारा पीट वही सबसे हुआ।